मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये देखें हम बना रहे हैं चिप्स। छोटी सिस्टर बना रही है, बिरयानी बना रहे हैं कुछ नहीं, सॉरी बिरयानी बना रही है, तो उसके लिए आलू फ्राई कर रही है। और साथ में मैंने ये बनाया, सालन बनाया अपने लिए, फुलके निकाले हैं। और साथ में ये शिमला मिर्च है, ये गाजर काटी, और ये मैंने रखे हैं 3 टमाटर रखे हैं, और उधर गोश्त रखा है। अभी बनाई कर आपको दिखाएंगे। जो ये चलिए बहुत ही मजेदार, मैंने सारी कोली खा गई, ये भी मैंने बिरयानी में डाली थी, ये मैं सारी खा गई। मुझे देखिए इसके पास समझ में नहीं है, छुरी मिली है, छुरी से खाई जा रही है। ये छुरी होती तेज तो फिर कट भी लग सकता है। बहुत ही टेस्टी है, ये मैंने पूरी कोली बनाई थी, आटा भरी थी, सारी खा गई। आस पास किस तरह से मैं सुबह पड़ा, इसमें प्लास्टिक का थैला लगाया करो, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था। बहुत ही टेस्टी बने हैं। चलो ये तो हो गया, आलू मैं डाल दूंगी। देखिए आलू तो हो गए, बिल्कुल निकालते हैं आलू। निकाल रही है, ये देखिए मैंने निकाल दिया, प्लास्टिक में डाली जा रही है। फिर आता कोई बात नहीं, जो बस मेरे पास तो बस हो गया। अभी इसमें मेरे बर्तन सारे धोने वाले पड़े हैं, कोई नहीं धोए सुबह के। हाँ ना, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी बुखार है और रात रोज जागती रही है, तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बर्तन इसीलिए सारे पड़े हुए हैं, इसलिए काम करना का सारा वो दो उधर से, अक्सर यही बेचारी सारा काम कर रही होती है। नहीं यही सारा काम करती है, तो फिर आज इससे अगर मार्केट में किसी वजह से लग गया बार बार, तो कपड़ा ढूंढ रही थी, उसको कपड़ा मिला नहीं। वो तो मेजर करके रखी हल्दी वगैरह मैं ये ढक्कन पे जो पानी था ये गिरा के इसको ढक्कन वापस दे के आऊँगी। ये देखिए हमारे सारे बर्तन वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। आज किस तरह से हमारा घर हो रहा है, हर चीज़ इधर उधर धोने वाली पड़ी हुई है। मार्केट में ये इतनी देर फिरती रही हैं, इतनी देर कि इन्होंने बहुत चक्कर लगाए हैं बार बार, कभी इस दुकान के कभी इस दुकान के। लेकिन ये जो कपड़ा ढूंढने के लिए गई नहीं डिज़ाइन बनाने के लिए, इन्होंने शायद इंटरनेट से कहीं से देखा था, इन्होंने कहा कि हम ऐसा कपड़ा देख के ये डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो इनको कपड़ा मिला ही नहीं है। जब कपड़ा नहीं मिला है तो फिर इनके चक्कर भी वहाँ काफ़ी टाइम लग गया बाज़ार में। वापस आई हैं तो आपको पता है थकावट हो जाती है, घर के करीब नहीं है, बाज़ार भी कितना दूर है, फिर क्या करती। वैसे भी बर्तन पड़े हुए हैं, शुक्र है इसने खाना बना लिया, आटा गूंदा, आटा भी गूंदने वाला था, क्योंकि जैसे मैं चावल नहीं खाती हूँ, कई लोग जो है चावल नहीं खाते हैं किस वजह से, फिर जो है उनकी तो रोटी बनानी होती है, तो थोड़ा सा आटा इसे हमने कहा था गूंद दो, उसने आटे ही गूंद दिया। अम्मी मुझे कह रही थी, मैंने कहा अच्छा मैं गूंदती हूँ, फिर मैं भी कुछ बिजी थी, फिर ये उठी और इसने आटा गूंदा। बस ये देखिए चिकन फ्राई हो रहा है, टाइम ही नहीं था हमारे पास, अगर टाइम होता तो हम इसको हल्दी लगा के रखते, हल्दी और थोड़ा सा जो है नमक बहुत थोड़ा सा, लेकिन हल्दी अच्छी खासी इसको लगा के रखते हैं, उसमें फिर ये होता है कि अच्छा कलर आ जाता है, और ये स्पाइसी बनती है, नमक भी थोड़ा सा ऐड किया होता है इसमें, लीम्बू थोड़ा सा, लीम्बू जो हाफ लेमन हाफ टी स्पून लीम्बू का जूस ऐड कर लें, हल्दी ऐड कर लें, नमक ऐड कर लें, इस तरह की चीज़ें आप ऐड करके रखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इससे कलर आता है। जैसे मार्केट में बिरयानी खाते हैं तो यही होता है, आपको वहाँ चिकन का कलर मुख्तलिफ नज़र आता है, ये कह सकती है हमने क्या कैसा चिकन है, क्या फूड कलर डाला था, फूड कलर भी डाला था, अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ वही डाल दें हल्दी। फूड कलर भी डाला था, हल्दी भी डाली थी, लेकिन अकेला फूड कलर नहीं डाला होता मैंने, तो फूड कलर इतने अच्छे थोड़ी होता है कि हर चीज़ में आप फूड कलर, जैसे खाने के वाले जो होते हैं उसमें जल्दी नुकसान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड करना चाहिए ना। अगर किसी घर में बना रहे हैं आप, कौन सा कहीं शादियों में दे रहे हैं, किसी पार्टी में दे रहे हैं, तो ऐसे ही बना रहे हैं। कभी कभार ऐसा हो गया अपने रंग दे लें, चले अच्छा है देखने में कुछ जायका, कुछ नवा लगता है, इनको भाता है इस तरह का चिकन, कोई भी कलरफुल चीज़ आपको पता ही बहुत प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। हम खवातीन जो है मेकअप भी तो इसीलिए करती हैं, तो वो है ना कि ये देखेंगे प्याज काट रही है, अच्छा हुमन इन्वेंशन है ना मेकअप, जैसे मोर है और मोरनी है खूबसूरत दिखते हैं, इस तरह से जब इंसान आया तो इंसान ने मेकअप ईजाद किया खूबसूरत दिखने के लिए, डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ सारे बर्तन तो धोने वाले पड़े हैं, मैं क्या धोने जाऊँगी, मैं इसको ही परात दूंगी, ये देखें केस में रख लो, क्योंकि मुझे भी काफ़ी काम है, मैं अब इसके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं ऐसे कैमरा मैन बनी हुई हूँ। ये लें इसको निकाल लें, मैंने आपको एक ही बार में बड़ा सा बर्तन ला दिया, ये प्याज डाल दिए, चावल बॉइल करके रखे हैं,
हाँ अब मुझे भी वो नजर आए एकदम सही नजर पड़ी है, देखो ऑयल अच्छा है, मुझे लग रहा था कि कच्चे पड़े हैं। ये जूता पड़ा है ना, जूते भी टूट गए, मेरा शूज तो टूट गया, जूता चप्पल पूरी टूट गई है। मैं तो कह रही कि मुझे चप्पल ला के दे रहे हैं, नहीं अब जाएगी तो किसी दिन लेके आएंगी। आज तो ये कपड़ा कपड़ा ढूंढने में इनको इतना टाइम लगे वो मिला ही नहीं। ये इस तरह से फ्राई होते रहेंगे। ये हमने प्याज काटे हैं और इसको फ्राई कर रही है, ये बारीक बारीक चॉप करके डालती तो ज़्यादा अच्छे से हो जाने थे, अभी हो जाएंगे, टाइम नहीं था इसके पास तो इसने ऐसे ही डाल दिए। ये सब हो जाएंगे फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या कर रहे हैं। और मैं अभी बिजी हूँ तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसमें डाली है मटर और बंद गोभी और गाजरें, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें जो काट के रखी हुई थी। इसमें चने भी डाल दिए, नहीं चने ये अभी, ये भी डाल दें, ये भी डाल देते हैं। चने तो बाद में भी डाल सकते हैं, उबले हुए चावल है ना। नहीं सारा बना, उबले नहीं है, बोले नहीं के सारा बना, नहीं करते बस ठीक है, बस डाल दिया इतने तो डाल दिए, ये बाद में डालने थे हमने, ठीक है, ये हमसे गलती हो गई। सामने तो पड़ा, ये तो उबले फ्राई हुए हुए ना तो इनसे तो ये तो बाद में भी बन जाते हैं। नमक डाल दिया है इसमें, नमक रोड डालना है इसमें जायका। हम आप फुलकी फकीर नहीं बनाएंगे कि 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, अपने अपने हिसाब से डाल लेना। काली मिर्च डाल दी है, घर में जो अम्मियाँ होती हैं ना उनको बहुत अंदाज़ा होता है। पहले जो है ना एक जुबैदा आपा होती थी, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें, वो भी कुकिंग में बहुत माहिर थी। वो क्या बताती थी, मैंने एक दफ़ा उनका इंटरव्यू सुना तो वो कहती थी कि मैंने कभी भी चुटकियों से या चम्मच से नहीं डाला, हाँ चुटकी से, कहती मैं अपने हाथों से भी डालती हूँ, मुझे इतना अंदाज़ा है कि किसमें कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है। ये हो रहा है, सब्जियां फ्राई हो रही हैं चिकन के साथ ही, बस शैलो फ्राई करें क्योंकि ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। यकीन करें बहुत भूख लग रही है, भूख ऐसी लग रही है कि दिल कर रहा है अभी, इसकी खुशबू है और जो अच्छी अच्छी आ रही है ना शिमला मिर्च की वजह से। देखिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये देखिए मैं अभी ये डालूंगी इसके अंदर, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इससे भी खुशबू आएगी, थोड़ी सी खुशबू जो है ना एनहांस होती है। शिमला मिर्च की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है शिमला, लेकिन ये जो कसूरी मेथी तो मुझे बहुत पसंद है ना, तो इस वजह से मैं ये लहसुन डालती हूँ कभी कभार जब मुझे याद आ जाए। तो मेरे पास ये परात ही पड़ी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, फिर हम इसको देखते हैं। कोई नहीं देता है और ऐसे पैसे जो आते हैं ना वो चलो एक बार खर्च कर लोगे, 2 बार कर लोगे, अच्छा बाकी भी फिर बार बार कहाँ खर्च करें। अब हम इसमें निकालेंगे ऑयल, ये देखें चावल तो मैंने उठा ले, हाँ बिस्मिल्लाह, ठीक है अब खाना बना लो हैं। ये देखिए हम डालेंगे इसमें ऑयल, ओके जी अल्लाह हाफिज़। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर,
लेकिन हम इसके जो बारे में चावल, मुझे लगता है चावल कुछ ज़्यादा ही मैंने गर्म कर लिए हैं। नहीं वैसे भी ज़्यादा ही हो गए अम्मी। हाँ बाकी हमको इसको ऐसे ही रख लेते हैं। हाँ ना ये देखिए तो हम डाल लेंगे ये सारा जो है मसाला था जो सारा। ये चावल जो है मैंने ज़्यादा बॉईल कर लिए थे। अब हम इसको रख देंगे थोड़ा देर दम के लिए, फिर हम इसको हलाते हैं अभी 2 मिनट में। अच्छा वो कहाँ है? ओहो मेरा टमाटर डालना भूल गई। टमाटर भी तो मैंने डाले थे, मैं कल दोबारा मैंने डाले ही नहीं। चलो इधर डाल लेते हैं ऊपर, टमाटर सबको पसंद होते हैं। चलो फिर मिलेंगे जी एक नए व्लॉग में। अभी दिखाएंगे आगे, अभी आपको दिखाएंगे जैसे रेडी होगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा। इसको बंद करो और बोले क्यों बड़ी मसाला। ये देखें कितनी अच्छी बिरयानी, देखें अभी हमने मिक्स की है ये देखें। अब हम निकालते हैं इसको, बड़ी प्रात में हम निकालेंगे, सब इसी में खाएंगे। वो चोंचले नहीं होते अपनी अपनी प्लेट वाले, क्योंकि बर्तन सारे धोने वाले पड़े हैं, और इस तरह से जो है बरकत भी हो जाएगी हमारे लिए, जो है टाइम भी बच जाएगा। बरकत हो जाएगी जिस दिन ना तो उतना दिन बरकत। नहीं नहीं वैसे काफी सारे बाउल नहीं धोने पड़ेंगे। नहीं नहीं वैसे सच, वैसे अच्छी बात है, वैसे एक ही प्रात में खाना चाहिए। ये तो पता नहीं क्या निकाला है कि अभी एक एक कोली मतलब कि हो तो फिर ही खाना। जहाँ शादी होती है ना उतने ही काम आसान होते हैं। सुबह से शाम तक तो हमारे बर्तन ही धुल होते हैं, जाना इतने सुबह को धो इतने ज़्यादा शाम को धो। ये देखो कितने अच्छा दिखे ये लग रहा है, ये देखें अच्छे लग रहे हैं, देखो कितने अच्छे बनाए हैं। अगर एक बड़े बर्तन में ना भी खाएं सब फैमिली तो साथ इकट्ठे बैठ के जरूर जो है बाउल में तो भी बहुत जो है ना खाना इकट्ठे बैठ के खाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की बरकत होती है। तुम भी खा जाओ। चलो जी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। ये दही भी है साथ। ये मैं भी इसे खा लूंगी, ये ऐसे ही कहती होती है मेरे लिए, फिर सबको जो है ना सब इसे ले लेते हैं। मैं किसी को नहीं देती जो बोलती है। ये दही निकाला हूँ इसके साथ, मिर्चे लेके आई थी वो कम गई। ये देखें इतनी सारी मिर्चे लेके आई, काली मिर्च डालेगी रायता बनाएगी तो कोई भी ना खाए सिर्फ बस मैं खाऊं। आप में से भी जिस जिस में खाने आ जाए। अम्मी आ जाओ।